तक सरकार की योजना पहुंचाने के लिए नोएडा में किया गया शर्म सम्मेलन का आयोजन। नोएडा के सेक्टर 6 इंदिरा गांधी कला केंद्र में प्रथम श्रमिक और उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और राज्य मंत्री सुनील भड़ाला चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही श्रमिकों के लिए योजना की जानकारी देना है। श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और राज्य मंत्री सुनील भड़ाला ने बताया कि नोएडा से उद्यमी आज श्रमिक सम्मेलन की शुरुआत हुई है। यह ऐसा पहला कार्यक्रम सरकार द्वारा किया जा रहा है जिसमें एक ही मंच पर उद्यमी और श्रमिक इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने बताया कि यूपी के सभी जनपद में इसकी शुरुआत होगी। इसमें उद्यमी और श्रमिकों की समस्याओं को सुना जाएगा। हर महीने कार्यक्रम का आयोजन कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के श्रमिक आयोग का गठन किया। आयोग गठन करने का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के दौरान नौकरी गंवाने वाले श्रमिकों को रोजगार दिलाने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि नोएडा में लॉकडाउन के दौरान सरकार ने श्रमिकों के खाते में हर महीने 1,000 रुपए और राशन दिया है। राज्य मंत्री सुनील भड़ाला ने बताया कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में सभी मित्रों को जानकारी नहीं हो पाती। ऐसे में योजना का लाभ वह नहीं उठा पाते हैं। इसके चलते इन सम्मेलनों की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 करोड़ श्रमिक जो कारखाने और वाणिज्य विभाग में काम कर रहे हैं, श्रमिकों तक उनकी योजना कैसे पहुँचे पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार ने सम्मेलन की शुरुआत की है। आज इंदिरा गांधी कला केंद्र में जनपद गौतम बुद्ध नगर नोएडा का ये प्रथम कार्यक्रम है जिसमें श्रम कल्याण परिषद ने इसको प्रारंभ किया है। यहाँ से के श्रमिक और उद्यमी का समागम है। ये जनसुनवाई है और ये सम्मेलन के माध्यम से आज ये यहाँ से प्रारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में ये संपन्न होंगे और श्रमिकों के कल्याण को लेकर के और उद्यमियों की समस्याओं को लेकर के ये लगातार हम इसको मंथली यानी के कार्यक्रम को चलाएंगे और निश्चित रूप से जो समस्याएं आती हैं उनका निस्तारण करने में हमें और ज़्यादा सफलता। जो श्रमिक कोर्ट में चले जाते हैं तो संभवतः मुझे लगता है कि वो ही उद्यमियों के बैठ कर के निस्तारण होंगे, ऐसा प्रयास शुरू किया गया है। क्योंकि इनके बहुत सारे मुकदमे लंबे कोर्ट में पेंडिंग चले गए हैं तो उसके लिए तो हम चाहते हैं कि ऐसे माध्यम से जहां श्रमिक की पीड़ा है वो हमारी सरकार की पीड़ा है, वो योगी आदित्यनाथ जी की पीड़ा है, वो सुनील भड़ाला की पीड़ा है, उसका निस्तारण हम करेंगे। तो ये प्रयास किया कि हमने जो कोविड के समय में जो लोग अपने प्रवासी श्रमिक जो घर से आए थे उसके लिए हमने पूरा राशन निःशुल्क किया था। उसके लिए हमने 1,000 रुपये खाते में डालने का हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था। उसी के साथ हमारा कार्यक्रम चला था और हमने उत्तर प्रदेश की सरकार पहली सरकार उत्तर प्रदेश में है जो श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका निर्णय लिया और तभी कोविड काल में ही एक श्रमिक आयोग का गठन किया और वो आयोग केवल उत्तर प्रदेश में जो श्रमिकों के रोजगार गए हैं उनके लिए वो आयोग बना करके और उनको रोजगार दिलाने का काम कर रही है। इसलिए ही हमने ये उद्यमी और श्रमिक सम्मेलन शुरू किए हैं क्योंकि श्रमिक काम करता है कारखानों में वाणिज्यकर दुकानों में। उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ के लगभग ये श्रमिक हैं जो कारखानों में और वाणिज्यकर दुकानों में काम करते हैं। उनकी योजनाएं उनके पास तक कैसे पहुंचे उसका ये एक कदम आगे बढ़ने का श्रम कल्याण परिषद ने निर्णय लिया है और उसका मुझे लगता है कि इस कार्य से निश्चित रूप से उसका रिजल्ट आएगा और उसको हमें श्रमिकों को लाभ देने में हमें सफलता प्राप्त होगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।